तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपना इंस्टाग्राम आईडी को परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों 2024 पे आपको कैसे डिलीट करते हैं इसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है इस वीडियो पे मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरा भी नाम जान लेता है, मेरा नाम है फारूक और आप देख रहे हो मेरा चैनल टेक्निकल रियल। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरे इसी तरह का जो हेल्पफुल वीडियो है आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने का जो बिल्कुल न्यू प्रोसेस है, लेटेस्ट प्रोसेस है, वो आपको इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को आसानी से यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आपका इंस्टाग्राम कुछ इस तरीके का आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो आपका एक लोगो दिखेगा, तो आपको लोगो पे क्लिक कर लेना है। देन दोस्तों आपको राइट साइड ऊपर पे 3 डॉट दिखेगा, तो आपको 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही 3 डॉट पे आपको क्लिक करोगे आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले अकाउंट सेंटर वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अकाउंट सेंटर पे आ जाने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्क्रॉल कर लेना है। देन फिर से आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही पर्सनल डिटेल्स पे आपको क्लिक करोगे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको 3rd वाले ऑप्शन पे अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल करके दिखेगा, तो आपको अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन डीएक्टिवेशन और डिलेक्शन, तो आपको इस ऑप्शन को यहां पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल होगा वो आपको यहां पे दिख जाएगा, तो सिंपली इस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों यहां पे आपको डीएक्टिवेशन अकाउंट और नीचे आपको डिलीट अकाउंट करके 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेटेड करना चाहते हैं तो आपको डीएक्टिवेटेड पे ऑलरेडी सिलेक्ट मिल जाएगा। अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको क्या करना है, आपको एक रीजन दे देना है। रीजन दे देने के बाद दोस्तों आपको सिंपली नीचे कंटिन्यू वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है देन आपको यहां पे अनदर अकाउंट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको फिर से यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही यहां पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपका इंस्टाग्राम का पासवर्ड मांगेगा, तो सिंपली यहां पे आपको पासवर्ड डाल देना है। तो चलिए मैं यहां पे पासवर्ड डाल देता हूं। तो दोस्तों यहां पे मैं पासवर्ड डाल दिया हूं और पासवर्ड डाल देने के बाद फिर से मैं यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर लिया हूं और मुझे यहां पे परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको नीचे यहां पे डिलेक्ट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप डिलेक्ट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पे आपका जो अकाउंट है फाइनली वो परमानेंटली डिलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो हमारा जो अकाउंट डिलेक्ट किए थे वो यहाँ पे परमानेंटली डिलेक्ट हो चुका है और अगर आप उस अकाउंट को सर्च करोगे तो वो नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे वो अकाउंट हमारा जो है परमानेंटली डिलेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट को आप परमानेंटली डिलेट कर सकते हो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कुछ भी आपको इंस्टाग्राम रिलेटेड जानना है या आपको कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।